चलो मोना, जाते जाते मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं तुम जाओ, वो मेरे सर जी मुझे पिक करने के लिए आ रहे। हाँ भाई, तुम्हारे सर जी के पास बड़ी गाड़ी है और मेरे पास टैक्सी है, तो तुम क्यों आओगी मेरे साथ? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, जाओ। जय श्री कृष्ण। हाय रब्बा, इतना सारा काम है, सर जी भी आते होंगे। फाइल, अम्बा जी मैं फाइल लेकर आई हूँ। नानकी, सेब खाएंगे आप? बड़े मीठे, कश्मीर के हैं, काट दो। मन इतना खराब हो गया है, कुछ भी खाऊंगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सुना नहीं तूने? साहब की बड़ी गाड़ी आ रही है उसे लेने। ये रोज गाड़ी में आना जाना, मोहल्ले वाले देख रहे सब। बदनामी नहीं होगी? रोक उसे नानकी, उसे रोक। ठीक है, आज जाने दीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगी। आप लेफ्ट लेंगे ना तो वहीं पे पार्किंग है, और पार्किंग के ही सामने ना मार्केट है। बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा। मोना जी, किसी शहर को जाना है तो इतनी मेहनत तो करनी होगी। हाँ वो तो है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहाँ रहकर इस शहर का मजाक समझ लो, बस एक घर का इंतजाम हो जाए। एक्चुअली होटल में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मोना जी, क्या आप मेरी मदद करेंगी घर ढूंढने में? ये लो, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी, जरूर मदद करूंगी। बस आप मुझे इतना बताइए, आपको कौन से एरिया में घर चाहिए? द्वारका, रोहिणी, लोधी गार्डन, GK1, GK2 या फिर वो कौन सी जगह? यहाँ नहीं, लेकिन मुझे डेरावाला में ही घर चाहिए। वहाँ कोई घर हो तो बताइएगा, पेंगेस भी चलेगा। एक्चुअली वहां से मुझे ऑफिस भी पास पड़ जाएगा और घर भी पास पड़ जाएगा, और आप कभी भी डिजाइन अप्रूव करवा सकती हैं आकर। हाँ ये भी बात है, फिर तो मुझे कभी ऑफिस शॉपिस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाय गॉड, सारे के सारे डिजाइन ना मैं आपको घर पे आके दिखा दिया करूंगी अप्रूवल के लिए। मैं घर ढूंढना चालू कर देती हूँ। वैसे आप एक काम भी कर सकते आप ना। आप रुक क्यों गई? कुछ कह रही थी ना? नहीं नहीं सर जी, हमारे घर रुके तो मासी फिर से बवाल कर देंगी। हाँ वो मैं कह रही थी कि डेरा वाला में घर ढूंढना चालू कर देती हूँ, हो सकता है वहाँ पे कोई हो जो कि अपना घर किराए शिराए पे दे रहा हो, तो आप वहाँ रह लीजिएगा। बाय गॉड। थैंक यू मोना जी। वेलकम जी। मोना की बच्ची बड़ी जल्दी है, तू वो खोलने से पहले कुछ सोचा तो कर। यार अनुकल, कल कहाँ बिजी थे? कल तुम्हें मैंने कितना ढूंढा। नहीं यार, वो मीटिंग में देर हो गई तो वहीं से सीधे घर चला गया था। अच्छा बच्चू, दोनों मियां बीवी की तो ऐश हैं। एक तुम हो जो काम का बहाना करके घर जाके आराम करते हैं, और भाभी जी पता नहीं किसी की लंबी सी गाड़ी में बैठकर सैर सपाटे करती हैं। क्या चल रहा है मियां बीवी का? ना ही मैं कोई घर जाकर आराम फरमाता हूँ, और ना ही मेरी बीवी कोई सैर सपाटा कर रही है। वो आजकल एक बड़े से फैशन हाउस के साथ काम कर रही है, और उसी के ओनर के साथ फैब्रिक की शॉपिंग के लिए गई थी। यार भाभी जी ने तो बहुत तरक्की कर ली है, उनको एक लंबी सी गाड़ी वाला क्लाइंट भी मिल गया। एक हम हैं जो आज भी खड़खड़ाते हुए स्कूटर पे ही घूमते हैं। वो जो नए साहब है, उनकी गाड़ी देखी तूने कितनी बड़ी है? ऐसा ना हो कि गाड़ी में घूमते घूमते बहू का दिमाग भी घूम जाए।
इतने सारे बिल चुकाने, पता नहीं कैसे मैनेज हो। जी तुसी फिकर ना करो, सब कुछ ठीक हो जाना है। अरे नहीं, फिकर की क्या बात है, सब ठीक ही तो है। वीर जी आपको मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, पापा जी ने बता दिया मुझे। और वीर जी बिजनेस में तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। हाँ लेकिन घर के खर्चे तो ऊपर नीचे नहीं होते ना, वो तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऊपर से ये तिल के 1000 और खर्चे, पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा। सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये तिल भाभी ने सुन लिया ना तो फिर से मुश्किल हो जाएगी। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होता, प्लीज उन्हें कुछ मत बताना ना। स्वीटी मुझे देर हो रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। हाँ जी। मानना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को स्वीटी, कोई चाहे पूछे ना पूछे तुम्हारे दिल का प्यार कमी नहीं होता। अच्छा करण, तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं मुझे मार्केट ले जाने की, तो मैं खुद ही जाके शॉपिंग कराई। ये बिल है, जाकर पे कर देना, सामान वो घर पे भिजवा दे। तुम पागल हो गई हो हेतल, 15,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, ऐसा क्या खरीद लिया तुमने? करण ना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, कहा था ना कि जरूरी सामान खरीदना है, बोला था कि नहीं बोला था? करण वीर जी आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं, जरूरी खर्चा करना होगा तभी तो इतनी शॉपिंग करी ना। लेकिन 15,000 की शॉपिंग स्वीटी, इसकी जरूरतें ज्यादा नहीं बढ़ गई है कुछ? करण क्या हो गया पुत्र तुझे, क्यों डांट रहा तू उसे? अर्जीत ने 15,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे, अब बिल कौन भरेगा? घर इतने रुपए का खर्चा तो तुझे बिना पूछे नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था दारजी पूछिए इनसे, पता नहीं ध्यान कहाँ रहते हैं आजकल, पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं। अच्छा रोना तो बंद कर, मैं लेता हूं इसकी खबर, क्यों गलती तेरी नहीं है? शॉपिंग कराने क्यों नहीं ले गया उसे? दारजी मुझे 50 अलग काम भी होते हैं, और ऊपर से चाचा जी की तबीयत भी खराब है, इसे मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। चल अब थूक दे गुस्सा, बिल दे दे
आइंदा से तेरे से पूछे बगैर नहीं करेगी खर्चा। क्यों पुत्र? रुला दिया ना बेचारी बच्ची को तूने। 15,000 की रकम इतनी बड़ी नहीं है कि तू इतना गुस्सा करे। फिर बेकार में क्यों किया इतना गुस्सा? देख स्वीटी पुत्र, बगैर जवाब दिए चला गया। क्या हो गया इसे? जब देखो परेशान दिखता है आजकल। पता नहीं दार जी। बेना, मैं हेतल से मिलने जा रही हूँ। हेतल को मेरा आशीर्वाद देना हा? और कहना उसे सेहत का ध्यान रखे। पर वो तो मैं कह दूंगी, आप सब तैयार है ना? वो सब पेपर वेपर टेस्ट तैयार है। तेरी बहू का इंतजार हो रहा है। बस आती होगी, मैं फोन करती हूँ उसे। अम्बा जी कहती मैं सब तैयार है ना, चलिए जल्दी से चेकअप के लिए चलते हैं, वरना लेट हो जाना है। बाय गॉड। लेट हो जाएंगे? नहीं, लेट हो गए हैं तेरी बदौलत। केतकी मासी, बाद में डांट लीजिएगा ना, जितना भी डांटना है। अभी बाहर रिक्शा मैंने रोक के रखी है, चलिए ना। भाभी मैं भी आपके साथ चलूं? क्यों, तू क्यों आएगी? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे, घूमने नहीं जा रहे। वो क्या है ना, मुझे सलवार कमीज का कपड़ा लेना है, लौटते वक्त ले लेंगे, वैसे भी मार्केट पास में ही है। ए नहीं यार, नहीं, ये सब नहीं करना है भाई। मासी प्लीज चलने दो ना, वैसे भी भाभी अपने काम में इतनी बिजी है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है। और आपको पता नहीं है भाभी की चॉइस कितनी अच्छी है, उनके बनाए हुए और पसंद किए हुए कपड़े ना मेरे पूरे कॉलेज में फेमस है, सच में। हो गई भाभी की स्तुति, हो गई है तो हम जाएं जी। हाँ चलिए चलिए, चल चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भी नाराज हो क्या? एक काम करो, ये बादाम की गिरियां खा लो, इससे दिमाग भी ठंडा रहेगा और बच्चा भी गोलू मोलू होगा। लीजिए। नहीं चाहिए, ले जाओ इन्हें। भाभी खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रही है, खा लीजिए ना प्लीज। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। लो। अब हो गई तसल्ली? अब जाओ। श्रीकांत, वो इसमें ना हेतल भाभी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। वो हेतल भाभी को बादाम खाने नहीं थे और मैं जबरदस्ती कर रही थी, इसीलिए गुस्सा आ गया। गलती तेरी नहीं है स्वीटी, गलती मेरी है, मेरी परवरिश में है। जी
कोई गलती नहीं। वो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं भी ऐसे ही बहुत गुस्सा किया करती थी। अम्बा जी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये ले जा, सबके लिए लाई हूँ मैं। क्या तरीका है अपनी नानन से बात करने का? अम्बा जी, मैं अपनी नानन से कैसे भी व्यवहार करूं, आपका क्या मतलब है उससे? आपको तो मुक्ति मिल गई ना, अब मैं अपने ससुराल में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, उससे आपको क्या है? तो क्या कह रही? हाँ? क्या गलत कह रही हूँ मैं? बोलिए ना, मैं बोझ थी ना, आपको छुटकारा चाहिए था, लो मिल गया छुटकारा। अब यहाँ क्या करने आई है? ये मिलने मिलाने का नाटक क्यों अम्मा जी? भाभी अभी रिपोर्ट्स आने में तो एक घंटा है ना, तो चलो तब तक शॉपिंग कर लेते हैं, फिर आके रिपोर्ट्स ले लेंगे। हाँ, मार्केट पास में ही है। हाँ, चलते हैं। ए, नहीं यहाँ, मुझे मार्केट नहीं जाना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं रिक्शा में किंजल के साथ घर पे चली जाती हूँ, चल। अरे केतकी मासी, हम जब साथ में आए तो साथ में ही जाएंगे ना। और वैसे भी आपको अम्बा जी के लिए साड़ी खरीदनी है ना, ये मार्केट बड़ी अच्छी है बाय गॉड, चलिए हम वहीं से साड़ी भी ले लेंगे। नहीं नहीं, वो सब बाद में करूंगी मैं, तू मैं घर जाती हूँ रिक्शा में। चलने आवे रिक्शा को तो कितनी बार लगे। बोलना नहीं ना, जाना बोलना पर जाना। केतकी मासी हाँ, अब चलिए ना, आप आएंगी तो अच्छा लगेगा, आप मूल भाव कर लेना। हाँ वो तो है, ठीक है ठीक है, आती हूँ बस। चले चल चलते मार्केट। आइए, ये दुकान ना बड़ी अच्छी है बाय गॉड, यहाँ पे ना सब कुछ बड़ा ही अच्छा मिलता है, मटेरियल तो अच्छा मिलता ही है, साथ में कम दाम में भी मिलता है। सेजल तू अपने लिए सूट जरा देख ले, तब तक मैं और केतकी मासी ना अम्बा जी के लिए साड़ियाँ देख लेते हैं। भैया हल्के रंग की साड़ियाँ दिखाइए, मेरी अम्बा जी को हल्के रंग की साड़ियाँ बड़ी पसंद है बाय गॉड। एक मिनट, गहरे रंग की साड़ी दिखाना। बचपन में मैं ही उसकी खरीदी करती थी, हाँ मुझे मालूम है उसे क्या अच्छा लगेगा, दिखाइए। केतकी मासी, अब आपकी नान की बड़ी हो गई हैं, उनकी पसंद भी बदल गई है। भैया आप सिर्फ हल्के रंग की साड़ियाँ ही दिखाना। हाँ बिल्कुल नहीं, गहरे रंग की साड़ी दिखाइए, मुझे मालूम है उसकी पसंद क्या है, क्योंकि वो मेरी बहन है, गहरे रंग की दिखाओ। केतकी मासी वो मेरी भी तो सासू माँ है ना, थोड़ी बहुत पसंद नापसंद के बारे में मुझे भी तो पता है, आप हल्के रंग की साड़ियाँ ही दिखाइए। हाँ एक मिनट, खरीदी कौन कर रहा है, मैं ना गहरे रंग की साड़ी दिखाइए बस। वो वाली, हाँ हाँ हाँ, वो ये बहुत अच्छी लगेगी, ये नन की पे बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ये अच्छी है। अच्छा ठीक है, आप ना अपनी नान की के लिए साड़ियाँ पसंद कर लीजिए, मैं जब तक ना आपकी रिपोर्ट्स ले आती हूँ हॉस्पिटल से, वरना देर हो जाएगी। हाँ चलो 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 लेके आ। लेकिन भाभी अब तो मेरे लिए ड्रेस मटेरियल चूज करने वाली थी। सेजल तेरी पसंद भी तो इतनी अच्छी है, तू ऐसा कर तू अपने लिए मटेरियल पसंद कर ले, मैं डिजाइन कर दूंगी ना अच्छा सा एकदम। हाँ अरे मैं हूँ ना, मैं सब पसंद करूंगी, तू चिंता मत कर। हाँ चलती हूँ, केतकी मासी है ना वो मदद करेंगी तेरी, ले अच्छी पसंद है। तू देख ले पैसे ठीक है ना? बहुत है। बहुत है, मेरा मतलब ठीक है। अच्छा
ये भारती मेरी बहन के लिए है, ये रख, चल सलवार कमीज हम देते, मैं हूँ ना तो चिंता क्यों करती है, दिखाइए। ये भाभी कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई। ये हमेशा ऐसा करती है, ये लड़की हर जगह पे लेट होती है, कभी टाइम पे आती नहीं है।